आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे आप अपनी एक्सेल फाइल में मौजूद डाटे को एक मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल में एक स्टेट के नेम और पॉपुलेशन है और आप उसको एक मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक एक्सेल शीट ओपन है और इसमें मेरे पास कुछ स्टेट्स के नेम्स, यूएस की स्टेट्स के नेम्स, पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ यूएस है। मैं यहाँ पर मुझे ये करना है कि मेरे पास जो ये डाटा मौजूद है मैं इसको एक मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पसंद करूँगा। तो करना क्या है, आपने सिंपली अपने उस डाटे को यहाँ से सिलेक्ट करना है जिसे आपने मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं सिंपली स्टेट नेम और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने एक मैप के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले आपको आपके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन का होना लाजमी है। यहाँ पर देखें मेरा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, आपके पास भी इंटरनेट कनेक्शन होगा देन आप मैप की फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर पाएंगे। आपने सिंपली इंसर्ट टैब में जाना है, जैसे ही आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे आपको यहाँ पर चार्ट्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक मैप का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने सिंपली इस मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास नीचे यहाँ पर मैप वाला आ रहा होगा, आपने फील्ड मैप में यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर फील्ड मैप पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर देखें मेरे पास ये एक मैप यहाँ पर इंसर्ट होकर आ चुका है। मैं यहाँ पर सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पर शेप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। यहाँ पर देखें जो ये नीचे एक लोअर वैल्यू दी गई है कि अगर इस वैल्यू इतनी वैल्यू होगी तो इसका कलर कोडिंग ये होगी और जैसे बढ़ती जाएगी कलर कोडिंग में यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि डार्कनेस में इजाफा होता जाएगा और जो है वो डार्क ब्लू हो जाएगी और लास्ट में ये इस वैल्यू पर जैसे ही पहुँचेगी तो इस वैल्यू पर जैसे ही पहुँचेगी तो उसका जो डार्क वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखें अब इस चार्ट का जो फ़ायदा है कि ये है कि ये एक इससे कनेक्टेड है। अब कोई भी पॉपुलेशन यहाँ पर देखें, मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं इस वाली पॉपुलेशन है, मैं इसको डबल क्लिक के यहाँ करके मैं एक 20 में यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा के इंटर करता हूँ। यहाँ पर देखें कुछ चेंजिंग्स होंगी, यहाँ पर देखें जो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना उसी हिसाब से एवरेज हिसाब से यहाँ पर देखें इसकी पॉपुलेशन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए इसका जो है वो ज़्यादा ब्लू है और बाकियों का इसकी निस्बत कम है, इसलिए बाकियों की यहाँ पर जो है वो कलर कोडिंग डिफरेंट है। मैं इसे अंडो कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें अब आपको यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ यूएस भी यहाँ पर इसमें शामिल करना था और आपने सिर्फ फर्स्ट टू की है, आप उसको परसेंटेज ऑफ यूएस को कैसे यहाँ पर चार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपली इस मैप चार्ट पे यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको अपने माउस का जो यहाँ पर पॉइंटर है वो यहाँ पर लाना है और आपने यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर आके ड्रॉप कर देना, यूएस वाले यहाँ पर कॉलम में आके ड्रॉप कर देना। यहाँ पर देखें कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, यहाँ पर देखें परसेंटेज ऑफ यूएस यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, पहले पॉपुलेशन थी अब परसेंटेज है और यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स हो चुकी हैं। अब कुछ फॉर्मेट्स होती हैं मैप्स की, यहाँ पर देखें अब यहाँ पर जैसे ही आप इसी चार्ट पे मैप चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखें आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन होके आ चुके हैं। एक है फिल वाला ऑप्शन, अच्छा इस फिल में यहाँ पर आप कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो इसका फिल है वो वाइट होता है, आप इसमें कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर देखें कोई भी आप यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं, यहाँ पर देखें बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है और इसी तरह आप कोई भी ब्लैक भी कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा आपको, यही सजेशन दूंगा, आप ऑटोमेटिक यहाँ पर मैं वाइट करना चाहता हूँ आप भी वाइट कीजिएगा। आप इसे बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, आप इसके इर्द गिर्द इस मैप के इर्द गिर्द कौन सा बॉर्डर कलर देना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं स्क्रोल करता हूँ और बॉर्डर कलर हम यहाँ पर जो है वो डार्क ये वाला ले लेते हैं और इसकी जो है हम जो PPT या विड्थ जो है हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर देखें 2.25 यहाँ पर मैंने इंक्रीज किया और जैसे मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको ये शो रहा होगा। आपने फिर यहाँ पर डबल क्लिक करना है मैप चार्ट पे, आपकी यही जो टैब्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर देखें इफेक्ट्स का, यहाँ पर आपको शेडो इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट्स, सॉफ्ट एजेस और 3D फॉर्मेट इफेक्ट्स यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर एडिट करना है आप यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें एक यहाँ पर है, अब लास्ट में आपने यहाँ पर देखें साइज और प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर देगी है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपने ये जो मैप चार्ट है ना, अब आपने मैप चार्ट पे क्लिक नहीं करना, आपने अपने ओरिजिनल मैप है यहाँ पर देखें
मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ओरिजिनल मैप आपने इस पर डबल क्लिक करना है। आपने सिंपली इस वाले पे डबल क्लिक करें, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो कुछ और ऑप्शन में कन्वर्ट होकर आ चुका है, सीरीज ऑप्शंस। अब ये सीरीज ऑप्शंस करता क्या है, यहाँ पर मैं आपको सिंपली यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। अब सीरीज ऑप्शन में देखें, यहाँ पर मैप प्रोजेक्शन ऑटोमेटिक है, और यहाँ पर देखें ये कुछ जो है ये एडवांस सेटिंग्स है, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक ही रहने दें। नीचे आए मैप एरिया पे, अच्छा मैप एरिया में आएँ और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड आपको मैप रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करके देगा। इसी तरह मल्टीपल कंट्रीज एंड रीजन की फॉर्म में करना है, मल्टीपल कंट्रीज एंड रीजन की फॉर्म में यहाँ पर देखें हमारा शो हो रहा है, ऑटोमेटिक करना चाहें या कंट्री एंड रीजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्री और रीजन के लिहाज से भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लेबल दे रहे हैं, मैप लेबल आपने नॉन यहाँ पर बेस्ट फिट, अच्छा लेबल यहाँ पर देखें ये वाले लेबल्स हैं, ये स्टेट्स के नेम्स। आप बेस्ट फिट ये करते हैं जो फिट्स नेम फिट होते हैं बेस्ट, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे और मतलब कि शो होंगे और कोई नहीं होगा। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो सारे जो हैं वो शो होंगे। यहाँ पर आप सीरीज का कलर भी दे सकते हैं, जो मिनिमम कलर ये है और मैक्सिमम कलर ये है, आप इसका लोएस्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं और हाईएस्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीरीज कलर में मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसमें दो कलर्स होते हैं, यहाँ पर एक डाइवर्जिंग होता है एक सिक्वेंशियल होता है। यहाँ पर देखें एक डाइवर्जिंग ये है और वो सिक्वेंशियल है, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ मैप जो है वो इस फॉर्म में यहाँ पर हमारा जो है वो रेडी हुआ पड़ा है। अच्छा इस मैप पे जैसे आप फिर से क्लिक करें आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा होगा चार्ट एलिमेंट्स, आपने इस चार्ट एलिमेंट्स पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ जो है ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें चार्ट एलिमेंट्स के यहाँ पर चार्ट टाइटल है, आप चार्ट टाइटल नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते अनचेक कर दें, चार्ट टाइटल जो है वो अनचेक हो जाएगा और देन आपको चाहिए तो क्लिक कर दें। इसी तरह डाटा लेबल, और डाटा लेबल पर देखें यहाँ पर एक एरो आ रहा है, जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ और ऑप्शन ओपन होकर आ जाए, आपने मोर डाटा लेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप मोर डाटा लेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ जो है ऑप्शन और यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें सीरीज नेम, यहाँ पर सीरीज नेम यहाँ पर देखें हमारे पास ये सीरीज नेम परसेंटेज ऑफ यूएस, हमें ये परसेंटेज ऑफ यूएस इस अपनी अपनी कैटेगरी में ये नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे अनसेलेक्ट करने देता हूँ। कैटेगरी नेम यहाँ पर देखें, कैटेगरी नेम हमें यहाँ पर शो करानी है और मैं यहाँ पर क्लिक रहने देता हूँ कैटेगरी नेम। यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आप अनचेक भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉमा से स्पेक्टर या सेमी कॉलन आप इससे भी अपना मतलब के चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स हैं, परसेंटेज और यहाँ पर कैटेगरीज, ये कुछ ऑप्शंस और हैं, आप इसे भी वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे जो है वो चार्ट स्टाइल कुछ प्रीपेड यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पर चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, चार्ट की डिज़ाइनिंग आप ये चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको भी यहाँ पर डिज़ाइनिंग कुछ डिज़ाइन किया हुआ है आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली अपने वाला यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ लास्ट सेटिंग यहाँ पर रहती है, मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं चार्ट का नेम जो है यहाँ पर चार्ट टाइटल जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, यूएस स्टेट यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टेट यूएस स्टेट टोटल पॉपुलेशन यूएस स्टेट यहाँ पर पॉपुलेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर यूएस स्टेट पॉपुलेशन और आउटसाइड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे आप अपनी एमएस फाइल में अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद है, कुछ आपके स्टेट्स नेम्स और उसकी पॉपुलेशन का डाटा मौजूद है और आप उसको एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैप की फॉर्म में, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।